ठंड का मौसम आ गया है और पिकनिक मनाने का यह मौसम है, और अगर आप पिकनिक मनाने के शौकीन हैं तो आप तालबेड़िया आए। ये तालबेड़िया है, आप देख पा रहे हैं ये तालबेड़िया है, और काफी कम लोग इस जगह के बारे में जानते हैं। झारखंड के जामताड़ा जिले में डीवीसी का जो ये इलाका है, जहाँ डीवीसी डैम का पानी रुकता है, इस जगह को तालबेड़िया बोलते हैं। और इस तालबेड़िया में पिकनिक मनाने का एक अपना ही मजा है। अगर आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पहुँचे और तालबेड़िया में पिकनिक का आनंद उठाएं। और इस जगह के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि क्या खूबसूरती है तालबेड़िया की, कि आप यहाँ आकर पिकनिक, ताकि यहाँ आकर आप पिकनिक मना सके। तो बने रहिए मेरे साथ ट्रेवल विद देवाशीष भारती में। हम पहुंचे हुए हैं तालबेड़िया में। जी हाँ, ये तालबेड़िया है, और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय व्यक्ति रोबिन मिर्धा जी हैं। रोबिन जी, ये बताइए कितना खूबसूरत है आपका तालबेड़िया। देखिए, ये तो झारखंड के, मान लिया जाए झारखंड के जिला जामताड़ा के ई सुदूरवर्ती गांव है, और डीवीसी डैम से सटे हुए गांव है, और यहाँ का खूबसूरती तो देखने लायक है। यहाँ आप कभी भी आइए, बेझिझक आइए। आप परिवार के साथ आइए पिकनिक मनाने, दोस्तों के साथ आइए। यहाँ स्वच्छ पानी मिलेगा, यहाँ हर तरह का वातावरण आपको मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको जो है ना, यहाँ एकांत जगह है। यहाँ एकांत में सांस लेना एक मज़ा ही कुछ और है। इसलिए ये गांव बड़ा सुंदर जगह में है। आप एक बार कम से कम आप लोग देख के जाइए और यहाँ पिकनिक मना के जाइए, तब आप लोग को, आप लोग खुद ही और दूसरों को बोलिएगा कि नहीं वहाँ जाना। अच्छा, ये भी जानना था कि यहाँ लोग पिकनिक मनाने आते हैं क्या? हाँ, कुछ तो आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं भूले भटके, तो यहाँ ऐसा आनंद लेते हैं। हम लोग देखते हैं कभी कभी नहाने आते हैं डैम पर, तो अपना नाच कूद कर रहा है, हम लोग से पूछता है भाई तो यहाँ। रोबिन दा का ये कहना है कि यहाँ पर जो है बिल्कुल शांति रहती है। हाँ, लोगों का भीड़ कम रहता है एकदम। और भी जगह है यहाँ, लेकिन वहाँ भीड़ ज्यादा होती है। भीड़ ज्यादा, और यहाँ पर भीड़ लोगों की कम होती है। बिल्कुल। यही वजह है कि जो आते हैं यहाँ सुकून के साथ मनाते हैं। बिल्कुल। यहाँ नौका विहार का भी व्यवस्था होगा? नौका विहार का व्यवस्था है। ये जो दूर उस तक जो ये पानी दिखाई पड़ रहा है, ये कहाँ तक ये चला जाता है? ये पानी तो आपका जो बेजरा जो पुल आप देखते हैं ना, बेजरा पुल से यहाँ तक है। और ये जो सामने जो ये पहाड़ी है, ये कौन सा पहाड़ी है? ये पहाड़ी है आपका रघुनाथपुर बोला जाता है, उसके पीछे में ही मदन डे थर्मल का जो आपको जो ये दिखाई देता है, चिमनी दिखाई देता है, वो सामने हमारा जो है वो। हाँ, दूर वाला ना। हाँ जी वो दूर दिखाई देता है। बिल्कुल। और ये कितना गहरा पानी होगा यहाँ? यहाँ देखिए डीवीसी का तो ऐसे यहाँ थ्री लेंथ है, थ्री लेंथ में है आपका 480 है। वो देखिए, वो डूबा पहाड़ी बोलते हैं हम लोग वहाँ, वो इलाका जो है। हाँ, वो इलाका जो है वहाँ 480 लेंथ का है, और यहाँ आपका जा करके 450 लेंथ का है। और वो जो हम दिखा रहे हैं आपको वो दूर में, दूर में वो आपका 333 माने डीप का है, फीट के हिसाब। हाँ, फीट के 333 फीट का, यानी कि ये पूरा इलाका पूरा गहरा है। पूरा गहरा है, और इसमें जो है नाव द्वारा लोग बोटिंग करते हैं। हाँ, नाव द्वारा बोटिंग करते हैं। अभी कोई दुर्घटना वगैरह तो यहाँ नहीं हुई? नहीं अभी तक तो नहीं। क्योंकि ये रुका हुआ पानी, ये रुका हुआ पानी है, और इस रुका हुआ पानी में लोग अच्छा से आनंद लेते हैं बोटिंग का, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल। और सबसे बड़ा चीज तो यहाँ पिकनिक मनाने वाले को तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ आनंद से नहाते हैं, तो घंटे भर घंटे नहाते हैं, क्योंकि उनको शायद ही इस तरह का पानी, सुकून वाला जगह मिलता होगा। जगह भी सुकून हो और इस तरह के इतना पानी कहीं उनको मिला होगा, मिला हो, है ना। हाँ, तो ये इनका भी यही कहना है कि इस बार यदि ठंड तो आ ही गया है रविंदा। हाँ, और इस ठंड आने के बाद जो है लोग यहाँ आए पिकनिक मनाए। बिल्कुल। और आप लोग उनको मदद करने के लिए? बिल्कुल, जो जो जैसा होगा हम लोग मदद करेंगे। यहाँ ऐसा तो कुछ दुर्घटना हुआ नहीं। चलिए, हम अपने दर्शकों को भी ये बता दें कि वो यहाँ आए और यहाँ पर पिकनिक मनाए। बिल्कुल।
भीड़ भरी जिंदगी के बाद जब लोग परेशान हो जाते हैं तो वो सुकून के तलाश में लोग आते हैं, और ऐसा जगह लोगों को काफी अच्छा लगता है, क्या रविंद्र? बिल्कुल बिल्कुल लगता है, और इसलिए भी लगता है कहे कि हमेशा से बहुत तरह का ध्वनि प्रदूषण आता है, बाइक का हो, गाड़ी का हो, और तरह तरह के माने ध्वनि प्रदूषण से जब आदमी बाहर आता है ना तो कुछ मन माने ऐसा अनुभव करते हैं कि हमें ऐसा ही जगह का तलाश था और वो जगह हमें मिला, और हमको लगता है कि उसमें ये तालबेड़िया काफी अच्छा जगह है। बिल्कुल, दूर दूर तक शांति है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हरियाली है एकदम से, लोग यहाँ काफी कम दिख रहे हैं, दूर दूर तक पानी ही पानी है, बिल्कुल इधर दूर तक पहाड़ी है। हाँ, तो ऐसे जगह पे लोग आना पसंद करते हैं, हमको ऐसा लगता है। हाँ, आप हाँ, क्या मानते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा जगह तो चुनना भी चाहिए हमें। हम तो चार दीवारी के अंदर में जाते हैं, चाहे ऑफिस करते हैं या अदालत करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहाँ तरह तरह का एक आवाज आता है, तरह तरह का एक बदबू भी आता है। यहाँ आपको कहीं ऐसा कुछ लगता है? इतना सुगंध हवा है तो हम भरपेट ले सकते हैं सांस। क्या है ना कि आजकल लोग भीड़ भरी जिंदगी और तनाव से मुक्ति पाने के लिए भी इन जगहों को आकर लोग पिकनिक के अलावा भी यहाँ आकर लोग रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर सुबह शाम हो जब हाँ, हो वो अपना यहाँ घूमने के लिए कभी भी हो, और काफी अच्छा भी उन्हें लगेगा। बिल्कुल एकदम एकदम निर्जन, एकदम कोई आदमी नहीं, एकदम फांका पूरा पानी का इलाका, एकदम एकदम भरा हुआ शांत माहौल, और यहाँ कोई अपराध भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की असुरक्षा की कोई भावना नहीं है। ऐसे में लोगों के लिए हमको लगता है कि तालबेड़िया बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। और हम अपने लोगों से भी कहेंगे जो हमारे ब्लॉग देख रहे हैं, उनको कहेंगे कि आप अगर सुकून पाना चाहते हैं, जिंदगी से परेशान हैं, कुछ काम से तनाव से व्यस्त हो गए हैं, तनाव से परेशान हैं, तो आप यहाँ आकर घंटों समय गुजार सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और वो घंटों समय में आपका, हमको लगता है कि आपका जो मस्तिष्क, जो दिल दिमाग, जो आपको तनाव भरी है, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है दिल और दिमाग में, हमको लगता है यहाँ उसका इलाज हो जाएगा। मैंने जगह ऐसा ही है इसलिए हम ऐसा मानते हैं, कहे कि हम लोगों ने देखा है यहाँ कभी भी आपका मिहिजाम थाना अंचल का पड़ता है, कोई भी चीज अगर थाना को बोल दिया जाता है तो वो तुरंत रात हो दिन हो कभी भी वो आकर ऐसा के कभी कुछ यहाँ हुआ भी नहीं, नहीं हुआ नहीं है। तो लोग आराम से आके रह सकते हैं, बिल्कुल फैमिली के साथ आके यहाँ घंटों समय बिता सकते हैं, घंटों समय गुजार सकते हैं, कोई एकदम एकदम कोई परेशानी नहीं है एकदम। मैंने यहाँ आपको स्वर्ग जैसा नजर आएगा, बहुत अच्छा, बहुत कूल, बहुत ठंडा, हाँ बहुत सुंदर। हाँ, तो तालबेड़िया में कितनी नावें चलती है यहाँ? यहाँ तो अभी वर्तमान में अभी छह गो है। तो मान लीजिए सैलानी यदि आएंगे तो उनके ये नाव में सैर कराने का क्या व्यवस्था आप लोग करिएगा यहाँ? नाव है, जो चाहेंगे जैसा मन चाहेंगे जहाँ तक जाएंगे उस तरह से यहाँ होता है। कितनी दूर तक आप लोग इसको ले जाते जाने है? वाले जहाँ तक जाए, ऐसे तो अगला साल तो कोई कोई पहाड़ भी चलाएगा उस पहाड़ में। उस पहाड़, अच्छा वहाँ क्या है उस पहाड़ में? बस देखने का है, सुंदर जो है पहाड़ में, जो आपका गाच ब्रिज जो है। तो जंगली जानवर भी तो वहाँ रहते होंगे ना? रहते होंगे तो जंगल में, हम लोग तो डैम में है, पानी में है। अच्छा, तो पानी से ऊपर नहीं चढ़ते हैं? नहीं नहीं नहीं, उतारते भी नहीं है अनजान आदमी, अनजान आदमी को नहीं। बड़ा बड़ा पत्थर है वहाँ, देखने से ना कहीं फिसल गया तो ऐसा गिरेगा कि बस सीधे पानी में आ जाएगा, सीधे पानी में। इसलिए नाव से उतारना नहीं है, और नाव में ही केवल घुमाना है वहाँ, उसको
पहाड़ के निकट में दिखा देना है। अब देखिए शायद ये लोग भी आ रहे होंगे वहीं से, वो एक नाव, वो जो नाव आ रहा है बिल्कुल, वो जो दूर में नाव दिख रहा है वो ना। तो ये जो पूरा इलाका है ये पिकनिक के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है और यहाँ लोग आकर पिकनिक मना सकते हैं, ऐसा आपका भी मानना है? हाँ, मना सकते हैं, मना सकते हैं और शांतिपूर्वक मना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आने वाला जो रास्ता है इसके भी बारे में आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं कि यहाँ जामताड़ा से मान लीजिए वो कैसे आएंगे, क्या है उनका व्यवस्था आने का? बाय रोड है, यहाँ की व्यवस्था तो बाय रोड है। जैसे ही आपको लाधना के जो आपका क्या बोलते हैं बजरंगबली मंदिर है, सिद्धू कानू जो जहाँ मूर्ति है वहाँ से आपका बाएं मोड़ना पड़ता है और पहाड़ी के बीचों बीच आने के बाद आप दाहिने मोड़ जाइए तो सीधे आप अब जहाँ अभी बैठल है जिस नाव पर जिस जगह पर है आप सीधे यहाँ आ जाएंगे। और यहाँ मान लीजिए आजकल तो बहुत कोई चाहता है कि हम अपना सेपरेट रहें, अच्छा जगह हो, एकांत जगह हो, मजा लेने का तो यही सब जगह है। तो मैंने यहाँ बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पिकनिक मनाया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ तालबेड़िया के ये रोबिन मिर्धा और ये यहाँ के जाने माने व्यक्ति भी हैं और इन्होंने ये बात कही है कि यहाँ लोग आएंगे तो हम उनको मदद भी करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल ट्रेवल विद देवाशीष भारती को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।